सुंदर लड़की और साहूकार। एक लड़की की बहुत ही दर्द भरी कहानी। एक व्यापारी ने किसी धनी साहूकार से ब्याज पर पैसा उधार ले रखा था, लेकिन व्यापार में नुकसान हो जाने की वजह से वह साहूकार का पैसा लौटा नहीं पा रहा था। व्यापारी की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। साहूकार बड़ा कुटिल था। उसने सोचा कि व्यापारी पैसा तो वापस कर नहीं पा रहा है, तो क्यों ना इसकी परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से कर दे तो वह व्यापारी का सारा कर्ज माफ कर देगा। व्यापारी बेचारा मरता क्या ना करता। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बड़ी थी। साहूकार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था। अब उस बेटी के आगे दो ही रास्ते थे। पहला, या तो साहूकार से विवाह करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज में दबा रहने दे। दूसरा, साहूकार से खुशी से विवाह कर ले ताकि उसका पिता स्वतंत्रता से रह सके। लड़की ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाए और उसमें दो गोलियां डाले, एक सफेद रंग की तथा दूसरी काले रंग की। इसके बाद लड़की उस थैले से आंख बंद करके कोई एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली सफेद निकली तो भी पिता का कर्ज माफ किया जाएगा, लेकिन लड़की साहूकार से विवाह नहीं करेगी। साहूकार तुरंत बात मान गया और जल्द ही एक थैला लेकर आ गया। अब वो जब थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने चलाकी से दोनों गोली काली ही थैली में डाल दी है। अब लड़की परेशान हो गई कि अब वह करे तो क्या करें। साहूकार का भांडा फोड़ भी दे तो भी वह दूसरी किसी चाल में उसको जरूर फंसाएगा। लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैले में से एक गोली निकाली और गोली बाहर निकालते ही उसे हाथ से छोड़ दी, जिससे गोली नाली में जा गिरी। लड़की बोली, माफ करना, गोली मेरे हाथ से छूट गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, थैले में अभी दूसरी गोली भी तो होगी, उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफेद गोली उठाई होगी और थैले में गोली सफेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। व्यापारी ने थैले में हाथ डाला तो देखा काली गोली निकली। व्यापारी बोला, आहा बेटी, थैले में काली गोली बची है, इसका मतलब तुमने सफेद गोली चुनी थी। साहूकार बेचारा बोलता भी क्या, अगर बोलता तो चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार पिता का कर्ज भी माफ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा भी कर ली। तो दोस्तों, जब तक आप समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप समस्याओं में ही उलझे रहेंगे। अपने विचारों को खुलने दें, थोड़ा हटकर सोचें, यह सोचें कि हर समस्या का हल है तो मेरी समस्या का भी कोई ना कोई हल जरूर होगा। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपके समस्याओं के हल भी मिलना शुरू हो जाएंगे। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।